नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मुरादाबाद में नमाज के बाद हुए हंगामे और प्रदर्शन के बाद पुलिस ने जहां अब तक लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, तो वहीं अब 17 तारीख को आने वाले जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर एक्टिव हो चुका है। पुलिस प्रशासन ने जुम्मे की नमाज को लेकर जामा मस्जिद स्थित कोतवाली मुगलपुरा में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। बैठक में आगामी जुम्मे की नमाज को लेकर शांति बनाए रखने की अपील की गई। वह इस दौरान एडीएम सिटी आलोक वर्मा और एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बैठक कर कमान संभाली। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस बार जो हुआ वो 17 के दिन जुम्मे की नमाज को दोबारा नहीं होना चाहिए। देखिए, थाना मुगलपुरा क्षेत्र में एक पीस कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें सभी थाना क्षेत्र के जो मौजूद लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको बुलाया गया था और उनसे चर्चा हुई कि जिस तरह से पिछली बार कुछ माहौल खराब हुआ था, भविष्य में ना हो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छे माहौल में बात हुई है, सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि आने वाले दिनों में भी सब अच्छा रहेगा। हम लोग अलर्ट में रहेंगे, लेकिन लोगों का सहयोग लेने के लिए हमने उनका आह्वान किया था, उसी के संबंध में मीटिंग ली। आपने देखा पिछले दिनों 10 तारीख को जो जुम्मा की नमाज थी उसमें एक इशू खड़ा हुआ था, लोग जुलूस वगैरह लेकर के बच्चे निकल पड़े थे, छोटे बच्चे थे, 20-22 साल के बच्चे थे। अभी 17 को हमारा नेक्स्ट जुम्मा आ रहा है, नेक्स्ट फ्राइडे आ रहा है, तो उसी के मद्देनज़र ये बैठक हमने बुलाई थी और जितने भी सब भ्रांत मुअज्जिज़ लोग थे उन सबको बिठाया था। अमेठी में प्रत्येक ग्राम सभा में एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया, जिससे जिन घरों में अभी तक शौचालय नहीं बना है उन घरों के लोग सुलभ शौचालय का उपयोग कर सकेंगे। इसी कड़ी में संग्रामपुर ब्लॉक अंतर्गत सहजीपुर ग्राम सभा में ग्राम प्रधान द्वारा बनवाए गए सार्वजनिक शौचालय का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। वह इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि आवारा पशुओं से खेतों को बचाने के लिए किसानों ने खेतों के चारों ओर कटीले तार लगा रखे थे, जिसके चलते लोगों को शौच के लिए खेतों में जाना संभव नहीं होता था। तो वही खबर एक अमेठी से निकल के सामने आ रही है, जहां सार्वजनिक शौचालय का निर्माण होने से लोगों ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। यहां जो सार्वजनिक शौचालय बना है, इससे हम लोगों को बहुत बहुत लाभ है और कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। सुबह शाम टाइम से खुलता है, टाइम से बंद होता है। हम लोगों को, हमारे गांव वालों को बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। साफ सफाई के बारे में क्या करें? फर्स्ट क्लास, नंबर एक की। हमारा नाम चमकीला है, ऐसे हमको बहुत लाभ होता है साहब। पहले सब हमारे बाहर जात रहे, खेत में जात रहे, बहुत परेशानी होत रही, खुला रहत रहन है। अब जब से बन गया है दोनों मीटिंग में आवे क्या है, कोनो दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया काम होता है, बहुत बढ़िया चलता है। सर, हमारा पूनम शर्मा है, ग्राम शाहजीपुर है। सर, यहाँ शौचालय के पास मैं खड़ी हूँ। सर, इससे हमको बहुत लाभ है। सर, पहले खुला वैसे था, लोग हम सब जाते थे, अब है जगह जगह पर तार बांधे हुए हैं सर, हम जा नहीं पाते हैं सर, इसीलिए इससे हमको बहुत। प्रदेश सरकार का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। सड़कों पर अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर तेजी से काम कर रहा है, लेकिन कई दुकानदार ऐसे हैं जिनका भरण पोषण इसी दुकान से चलता था, जो अतिक्रमण हटाओ अभियान से अब बेरोजगार हो चुके हैं। वह इसको लेकर डुमरियागंज से सपा विधायक सैयद खातून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि कई दुकानदार ऐसे हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं और उनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। जो अभी सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाया गया है, ठीक है, अतिक्रमण हटाना ठीक है, सरकार की अगर मंशा थी, लेकिन जो गरीब वहाँ आज 50 साल से बसे हुए थे, उनकी रोजी रोटी उसी से चलता था, उनके परिवार उसी से चलता था। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि उनके पालन पोषण के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करें।
मुरादाबाद में किसान संवाद सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन पंचायत भवन सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय किसान यूनियन और राजनैतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने किसानों से संवाद किया और कहा कि अब भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का गठन इसलिए किया गया है ताकि किसान इस यूनियन के माध्यम से अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा सके। देखिए, पंचायत का उद्देश्य जो हमने सब लोगों ने मिल करके जो कुछ दुर्व्यवस्थाएं हमारे पिछले संगठन में थी उनसे कहीं ना कहीं किसान दुखी था और उनके निर्णयों से किसान दुखी था। उन्हीं सब बातों को लेकर जब हम लोगों ने अलग नया संगठन बनाया तो मुरादाबाद की धरती में अपने फतेहपुर से के बाद पहला मेरा कार्यक्रम किसान संवाद सम्मेलन मुरादाबाद मंडल के लोगों से हमने शुरू किया और आगे हम मथुरा कोसी कला के कुटवन के पास बने सीएनजी पंप के पीछे एक गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुबार फैलने लगा, जिसको देखकर स्थानीय लोगों में हाहाकार मच गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने कोसी पुलिस और दमकल विभाग को दी। वहीं दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई, जिसकी जानकारी देते हुए दमकल कर्मियों ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और किसी भी प्रकार की हताहत होने की अभी तक कोई खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। तो हम लोग तुरंत मौके पर पहुंचे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश यूपी फायर सर्विस भी, चार गाड़ियां थी, एक हमारी गाड़ी थी। और मैटर इतना बड़ा हो जाता है एक्चुअली, वो तो कवर कर लिया आरओ टाइम से हम लोग पहुंच गए, क्योंकि उसके जस्ट बाजू में कुछ सिलेंडर्स रखे हुए हैं सीएनजी के, आप अगर देख पा रहे हो तो आपके पीछे। हाँ बिल्कुल। उसके बाद में कुछ स्टॉक अपना पाइप्स का था इनका, रॉ मटेरियल का, और रॉ मटेरियल इतना हैवी क्वांटिटी में था कि मेजर फायर की संभावना थी। और आगे फिर उसके जस्ट सीएनजी है तो इतनी मेजर सिचुएशन थी वो, तो टाइम पे अगर फायर। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से मथुरा की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां भीषण आग का कहर देखने को मिला। वहीं आग लगने से चारों तरफ हाहाकार मच गया। साथ ही आपको बताते चले कि इस मामले में कोई बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया, क्योंकि जहां ये आग लगी उसके थोड़ा सा ही आगे सीएनजी का पंप मौजूद है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में गोदाम से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है, काला काला धुआं आप देख सकते हैं किस तरह से आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जब लोगों ने यह धुआं देखा तो लोगों के बीच हाहाकार मच गया। वह इस पूरे मामले की सूचना जैसे ही दमकल विभाग को मिली, दमकल विभाग बिना देर किए मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। साथ ही ये भी बताया गया कि अभी तक इस मामले में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की कोई भी खबर सामने नहीं आया है। वही अगर इस दौरान दमकल कर्मियों की बातों को भी हमने सुना, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बाल बाल हादसा होने से बच गया, जिसकी वजह ये निकल के सामने आए कि दमकल कर्मी मौके पर बिना देर किए पहुंचे। यही वजह है कि कोई भी हादसा होने से बाल बाल टल गया है। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आग किस तरह से कितनी भीषण थी कि दिन के समय में धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है, काले काले धुएं का गुबार इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से उड़ता हुआ भरे आसमान में नजर आ रहा है, आग की लपटें आसमान को छूती हुई नजर आ रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण रही होगी। वही अगर देखा जाए तो बाल बाल एक हादसा होने से बच गया, क्योंकि जिस गोदाम में आग लगी है उसी के थोड़ा सा ही दूरी पर एक सीएनजी का पंप भी मौजूद है, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जहां आग लगी है उसके ठीक आगे सीएनजी का पंप मौजूद है। तो खबर इस वक्त मथुरा से आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण आग का कहर देखने को मिला। आग लगने से चारों तरफ धुएं का गुबार फैलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आग कितनी भीषण रही होगी, क्योंकि दिन के समय भरी दोपहर में धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आग ये किस हद तक फैली हुई थी। आग की लपटें आसमान को छूती हुई नजर आ रही थी। वहीं अगर बात करी जाए तो दमकल विभाग की सक्रियता
दमकल विभाग के समय से पहुंचने के कारण ही बड़ी मुश्किलों के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई भी खबर सामने फिलहाल नहीं आई है। तो तस्वीरें इसकी गवाह है कि किस तरह से आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें आसमान तक उठती हुई नजर आ रही है। धुएं का गुबार साफ साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरह सफेद आसमान और नीले आसमान के बीच काली जो धुएं की चादर है वो किस तरह से आसमान में उड़ती हुई नजर आ रही है आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वही अगर बात करी जाए तो बाल बाल हादसा होने से टल गया, क्योंकि इस पंप के बिल्कुल ही ठीक आगे एक पंप था जहां पर यह आग लगी है। गोदाम में जहां आग लगी है उससे ठीक आगे एक पंप मौजूद था, सीएनसी पंप। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मथुरा से हमारे संवाददाता धनीराम खंडेलवाल जुड़ चुके हैं। धनीराम, हम इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मथुरा में आग का कहर देखने को मिल रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये मामला थाना कोर्ट से लगा कोटवन चौकी के समीप का है, जहाँ एक सीएनजी पेट्रोल पंप था और वहाँ अचानक ये पूरे करकट में आग लग गई और आग लगने से वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया जी। पास में ही वहाँ गैस सिलेंडर थे जो कि जो पेट्रोल पंप पे यूज किए जाते हैं आमतौर, काफी संख्या में वहाँ सिलेंडर भी रखे हुए थे और जैसे ही वहाँ धुआं और ये जैसे ही वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया, तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई थी। उसके बाद में वो दो दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, परंतु आग इतनी तेज थी कि वो आग बुझाई नहीं सकी। तो और मथुरा और आसपास के हरियाणा साइड से भी दो तीन गाड़ियां और बुलाई गईं। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद में उस आग पर काबू पाया जाता, परंतु कोई वहां दमकल की गाड़ियों के बाद में फिर कोई भी बंदा हानि जनानी मतलब ज्यादा नहीं हुई, उस आग पर काबू पा लिया करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद। जी, लेकिन धनीराम, अगर देखा जाए तो तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी, तो अभी तक इसमें कितने नुकसान होने की खबर सामने आई है, क्या कुछ नुकसान हुआ है इस आग में? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो पेट्रोल पंप था इसके आसपास का बहुत जंगल वाला एरिया है। इस जंगल वाले एरिया में जो कूड़ा करकट और जो गर्मी भीषण गर्मी पड़ रही है इस वजह से वहाँ सूखा कूड़ा करकट पड़ा था, तो आग ने एकदम बहुत तेजी से वहाँ फैली और जो वहाँ कुछ पन्नी वन्नियाँ होती हैं और जो प्लास्टिक के पड़े रहते हैं उनमें ज्यादा आग लगी थी। उसके आग चलते हुए वो काफी देर तक वो धुआं और जो गुबार था वो ऐसा था, परंतु ऐसा उसमें पेट्रोल पंप में आग नहीं लगी बल्कि पेट्रोल पंप के पीछे वाले हिस्से में आग लगी थी। जी, तो इसलिए वो धुआं और वो उसका जो गुबार है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है सर, जिससे वहाँ अफरा तफरी का माहौल तो हो ही गया था। बिल्कुल जी। धनीराम, अगर देखा जाए तो अभी आपने बताया कि वहाँ पे गंदगी का ढेर लगा हुआ था, पन्नी कूड़ा वहाँ पड़ा हुआ था, तो यानी इस मामले में साफ साफ नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, नगर निगम की ये बिल्कुल साफ लापरवाही है कि ऐसी जगह पर यहाँ कूड़ा करके डालते हैं जहाँ पेट्रोल पंप हो, जलनशील पेट्रोल पंप होता है और जहाँ गैस सिलेंडर भी रखे होते कई सारे, अगर इसमें अगर जरा भी पेट्रोल पंप की तरफ आग आ जाती तो यहाँ बहुत बड़ी एक हानि हो सकती थी। बिल्कुल, ये साफ नगर निगम की लापरवाही मुझे नजर आ रही है। जी, धन्यवाद धनीराम खंडेलवाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव भवानीपुर खेरू में एक कार में दो बच्चों के शव मिले, दोनों बच्चे गाड़ी में बंद हो गए थे। आशंका जताई जा रही है कि गाड़ी में दम घुटने से उनकी मौत हुई है। दरअसल बच्चे शाम को खेलने के लिए घर से बाहर निकले थे और अचानक से दोनों ही बच्चे गायब हो गए। बच्चों के गायब होने पर जब परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी तो घर में कार से दोनों के शव बरामद हुए। वही मामले में परिजनों की एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, साथ ही पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर बदायूं से सामने आ रही है जहां एक कार के अंदर दो बच्चों का दम घुटने से मौत हो गई है। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही बच्चे को शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आपको बताते चले कि खेलते समय दोनों ही बच्चे कार में बंद हो गए थे, जिसकी वजह से दोनों ही बच्चों का दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन साफ साफ देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर परिजनों की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बताते चले कि बच्चे ये कह के घर से निकले थे कि वो खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब काफी देर बाद भी बच्चे घर वापस नहीं लौटे, उन्हें ढूंढने की कोशिश की गई तो घर ही में मौजूद एक कार में दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए।
वही पूरा मामला ये निकल के फिलहाल सामने आ रहा है कि दोनों ही बच्चों की कार के अंदर ही दम घुटने से मौत हो गई है। तो कहा जाए कि इस पूरे मामले में परिजनों की एक साफ साफ और एक बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही जो पुलिस है वो घटना स्थल पर पहुंच चुकी है और पुलिस ने दोनों ही शवों को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में रंजिश की वजह से बाप बेटे की हत्या कर दी गई। वहीं एक बेटे की हालत गंभीर है, उसका गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। हमलावरों ने धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया। दोहरे हत्याकांड की सूचना पर डीआईजी और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा घटनास्थल पहुंचकर उन्होंने वहां का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने परिजनों और ग्रामीणों से इस मामले को लेकर पूछताछ भी की है। पुलिस इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं तनाव को देखते हुए गांव में कई थानों के पुलिस को अब तैनात भी कर दिया गया है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र में महाराजगंज गाँव का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति ने आपसी विवाद में एक धारदार हथियार से तीन व्यक्तियों पर हमला किया, जिनमें दो व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई। तीसरे व्यक्ति को पुलिस द्वारा तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसकी हालात स्थिर हैं। इस प्रकरण में थाना रुद्रपुर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो मुख्य अभियुक्त है उसे प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा इलाके के अकारीपुर गांव में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। पंचायत के दौरान समझौता कराने पहुंचे एक पक्ष के लोगों पर कुछ लोगों ने मारपीट कर हमला कर दिया। इस घटना में गोली लगने की वजह से तीन व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज से प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार दो पक्षों में मार्कशीट की पंचायत के दौरान मारपीट और फायरिंग हुई थी। अयोध्या के थाना पूरा कलंदर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे मृतक प्रेमी विकास यादव की हत्या का खुलासा करते हुए प्रेमिका के गांव के रहने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह इस मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि 7 जून को युवक निमंत्रण में जाने की बात कहकर अपने घर से निकला था, जिसके बाद उसने अपनी प्रेमिका से मुलाकात की, जहाँ पर प्रेमिका के गाँव के ही तीन युवकों ने दोनों को मुलाकात करते हुए देखा और तीनों ही युवक आग बबूला हो उठे, उसके साथ मारपीट की, जिससे प्रेमी की मौत हो गई। तलाश के दौरान अंजना गांव के बाहर खेत में उस युवक की डेड बॉडी मिली थी। तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। उस समय तक परिजनों को यह नहीं मालूम था कि यह घटना किसके द्वारा कारित की गई है या किसके द्वारा कारित की जा सकती है। अज्ञात में अभियोग पंजीकृत हुआ। एसपीसीटी सीओ अयोध्या और इंस्पेक्टर पूरा कलंदर की टीम क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर इसका सफल अनावरण की और इसमें दो अभियुक्तों को, जिनके नाम बबलू निषाद और रामजीत निषाद हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।